हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढाबा स्टाइल पालक पनीर की रेसिपी। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे नान, पराठा, रोटी किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और सारे स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करके आप इसे बनाकर देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत करना। तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 13 से 14 काजू लिए हैं और 2 हरी मिर्च ली है, तीखी वाली हरी मिर्च है। इसका क्या करना है ये मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम जुड़ी पालक ली है। पालक के पत्तों को 3-4 बार धोने के बाद मैंने इसके डंठल हटा दिए हैं। पालक को हमें बॉईल करके लेना है। तो गैस पर मैंने एक पतीला रख दिया है, उसमें आधा पतीला भरकर पानी रखा है और पानी को इस तरह का बॉईल आना चाहिए। उसके बाद ही हमें इन पालक के पत्तों को पानी में ऐड कर देना है। तो ये स्टेप भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो सारे पत्ते मैंने इस गर्म पानी में डाल दिए हैं। उसके साथ साथ हमें हरी मिर्च और काजू भी इसमें डाल देने हैं। काजू डालने से ग्रेवी को एक रिचनेस आ जाएगी और इसकी टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया लगती है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो पहले ही पानी बॉईल हो चुका है, तो हमें सिर्फ इसे 3 से 4 मिनट तक बॉईल कर लेना है। ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, नहीं तो ग्रेवी कड़वी बनेगी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट तक हमें इसे बॉईल कर लेना है। गैस को हम अब ऑफ कर देते हैं और इसे तुरंत ही एक दूसरे पतीले में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसमें से काजू अलग करके हमें सिर्फ पालक को ही ट्रांसफ़र कर लेना है। काजू हम एक बोल में अलग से निकाल देंगे और इसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप करने के लिए हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी भी डालना होगा। तो ये मैंने एक ग्लास ठंडा पानी डाला है। 2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही रखेंगे और फिर एक मिक्सी का जार लेकर ये जो पालक है वो हम इसमें डाल देंगे। अभी पालक की गर्माहट पूरी तरह से जा चुकी है, साथ ही में हम इसमें काजू और हरी मिर्च भी डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून शक्कर भी ली है, चीनी ली है। तो चीनी इसलिए क्योंकि पालक थोड़ा सा कड़वा होता है, तो चीनी उसकी टेस्ट को बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये पेस्ट बनी हुई है। तो इस ग्रेवी में नॉर्मली हम टमाटो डालते हैं, तो टमाटो की प्योरी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टमाटो लिया है, अदरक लिया है और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली है। इसे भी हम प्योरी कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने गैस पर पैन चढ़ा दिया है। पैन में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, आप ऑयल को ज़्यादा भी रख सकते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने दीजिए, फिर हम इसमें 2 तेज पत्ते ऐड कर देंगे। तेज पत्ता हल्का सा भूनने के बाद हमें यहाँ पर 1 मीडियम साइज का प्याज डालना है। तो प्याज को मैंने इस तरह से एकदम बारीक चॉप कर लिया है, चॉपर से चॉप कर लिया है। इसकी वजह से ये बहुत ही फाइन चॉप होता है। ऑनलाइन चॉपर का वीडियो भी मैंने इस चैनल पर अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हमें प्याज को ब्राउन होने तक भून लेना है। तो इस तरह से हल्का सा गोल्डन या फिर ब्राउन कलर आने तक इसे भून लेना है और फिर हम इसमें डालेंगे टमाटो की प्योरी। तो यहाँ पर मैंने लगभग 5 मिनट के लिए प्याज को सॉफ्ट होने दिया है। उसके बाद टमाटो की प्योरी भी ऐड कर दी है और टमाटो की प्योरी जल्दी से पकने के लिए हम इसमें नमक डाल देंगे। तो जो हमें सब्जी में नमक डालना है वो अभी डाल देंगे। तो स्वादानुसार नमक डालने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लिया है तो पैन को कवर करके हम इसे 3 से 4 मिनट तक कुक होने देंगे। तब तक इसकी जो रॉ स्मेल होती है, जो कच्चा स्वाद होता है, वो निकल जाता है और टमाटो अच्छी तरह से पक जाता है। तो टमाटो का कच्चा स्वाद जाने के बाद ही हमें इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, साथ ही में हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर।
हरी मिर्च भी हमने इसमें ऐड कर दी है, तो लाल मिर्च पाउडर का क्वांटिटी थोड़ा सा कम ही रखेंगे। तो मसालों के जो फ्लेवर्स है वो ग्रेवी में अच्छे से उतरने के लिए हम इसे कवर करके रखेंगे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए। फिर बाद में हम ओपन करेंगे और बेसिक से मसालों के साथ भी ये ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ पर उसके बाद मैंने कसूरी मेथी हाथों पर क्रश करके ऐड कर दी है। और फिर बस हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला। तो यही हमारे 3 से 4 बेसिक मसाले हैं। पालक पनीर बनाते वक्त और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही अच्छी बनती है। यहाँ पर जो भी हमने इसमें मसाले ऐड करे हैं वो काफ़ी हद तक कुक हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे पालक की प्योरे। तो ये पेस्ट आप देख सकते कि इसका कलर कितना फ्रेश लग रहा है, पालक ने अपना ग्रीन कलर बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा है। अभी इसमें हम पानी भी ऐड करते जाएंगे, गर्म पानी ऐड करेंगे, तो आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है इसके ऊपर पानी आप ऐड करिएगा। अगर आपको ग्रेवी पतली चाहिए तो ज़्यादा पानी ऐड करें, पराठों या फिर नान के साथ खानी है तो कम पानी ऐड करिएगा। अब इसमें ग्रेवी पकने के लिए और मसालों के सारे फ्लेवर्स ग्रेवी में उतरने के लिए हम इसे कवर करके रखेंगे 3 मिनट के लिए। ग्रेवी भी हमारी अच्छे से पक गई है, तो अब टाइम आता है इसमें फ्रेश क्रीम डालने का। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इससे ना ग्रेवी को एक थिकनेस आ जाता है। फिर इसमें मैंने डाले हैं पनीर के क्यूब्स, तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम्स पनीर यूज़ किया है, तो पनीर की अमाउंट आप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। तो आपको ये डिश कितने जनों के लिए बनानी है उस पर डिपेंड होगा। पनीर को आप हल्का सा बटर में रोस्ट करके भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बढ़िया टेस्ट आ जाती है। और यहाँ पर मैंने ऐसे ही फ्रेश पनीर को ऐड कर दिया है। फिर हम इसमें ढक्कन लगाएंगे, तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे ढककर रखेंगे, ताकि ये जो मसाला है, ग्रेवी है, वो पनीर में भी इसका फ्लेवर अच्छे से उतर जाए। ग्रेवी हमारी बन चुकी है, तो गैस को कर देते हैं ऑफ और हम साइड में यहाँ पर तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए हम यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तड़का पैन में मैंने 1.5 टेबल स्पून घी डाला है। घी हल्का सा गर्म होने के बाद 1 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन बारीक कट किया हुआ लहसुन डाला है। लहसुन का कच्चा स्वाद होता है, वो थोड़ा सा निकल जाने दीजिए। फिर गैस को ऑफ कर देंगे और 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, तो तड़का हमारा थोड़ा सा कलरिंग रेड कलर का दिखना चाहिए, इसलिए हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ करते हैं। और गरम गरम तड़का हमारे पालक पनीर पर पोर कर देंगे। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे, जेंटली मिक्स करेंगे, पनीर के टुकड़े टूटने नहीं चाहिए। तो ये हमारी पालक पनीर की डिश बनकर तैयार हो चुकी है। इसे बनाने में भी बहुत ही कम समय लगता है और आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। तो जिस तरह से ढाबा या फिर रेस्टोरेंट में ये डिश मिलती है, मैं कहती हूँ कि उससे भी बढ़िया ये डिश हमारी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं हाईली आपको रेकमेंड करना चाहूँगी। हल्का सा मैंने इसके ऊपर तड़का फिर से ऐड कर दिया है सर्विंग करने के बाद, और फ्रेश क्रीम डाली है। तो इसके साथ आप खा सकते हैं रोटी, चपाती, नान, स्टीम राइस, जीरा राइस के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो जल्दी से ट्राई करके देखिए इस रेसिपी को। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।